कर्नाटक विधानसभा को लेकर चुनाव प्रचार अभियान अपनी गति में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहे जाने के करीब चार दिन बाद उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि अगर घर का बेटा नालायक हो तो घर कैसे चलेगा। मन्ने नीवु गुलबर्गा बंदागा नीवु येन हेळिद्री बंजारा समाजदवरिगे आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। हाँ मत ना ओरी गिवरी अंतल यारदे मग नालायक मन नडसलिकागल हौदा इल्ल नावेन हेळ्ता इदीवि अंद्रे इवरु बंजारा समाज एक बेटा है अंत हेळिबिट्टु ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿಲ್ವಾ। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे पर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने 51 बार पीएम को उनके परिवार, उनके माता पिता, उनके ओबीसी समाज, उनकी चाय वाली पृष्ठभूमि को निशाना बनाते हुए गाली दी और कब्र खुदेगी मोदी की भी ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पास उपलब्धियां या मुद्दे की कोई सूची नहीं है, केवल गालियों की सूची है।